माता दी। सारे बोलो जय माता दी। गज के बोलो जय माता दी। माता ने सुनी। अगर कहीं दुनिया में स्वर्ग है तो वो है वैष्णो माता का दरबार, कि सभी को अपना मजहब प्यारा, सभी को प्यारा है भगवान, गीता कुरान शब्द बाइबिल सबसे प्यारा देश महान। तो मुझे स्वर्ग में भी ऐसा जन्नत ना मिले जो आज मैंने माता वैष्णो देवी के दरबार में देखा है। फूलों से सज गया दरबार, भक्तों की लगी कतार, माँ अम्बे की जय जयकार। आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। श्री माता वैष्णो देवी धाम इस बार शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर स्वर्ग सा दिखाई दे रहा है। देश और विदेश से आए विशेष फूलों और रंग बिरंगी लाइटिंग से माता का दरबार बेहद भव्य रूप से सजाया गया है। ऐसे में भक्त यहाँ पहुंचकर भाव विभोर हो रहे हैं। हमारी परंपरा ऐसी है कि ये सिखाती और कहती है कि सभी मजहब सभी समाज के लोगों को एक संदेश देती है कि सभी को अपना मजहब प्यारा, सभी को प्यारा है भगवान, गीता कुरान शब्द बाइबिल सबसे प्यारा देश महान, जाति धर्म महफूज हो सबका, फलो फूलो रहो आबाद, मगर हिंद में इस ज्योता वाली मैया का जिंदाबाद हो जिंदाबाद। हमारे देश में एक अमन शांति बने, देश की अखंडता कायम रखे, काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अखंड भारत का यह स्वरूप सर्वदा बना रहे, यही माँ भगवती से मैं मांगा। माता रानी से यही दुआ करते हैं कि माता रानी हमारे जितने भी भगत जम्मू कश्मीर के जितने लोग हैं खुशहाल रहे और खुश रहे, जो मेरे भाई बेरोजगार हैं माता रानी उनको रोजगार दे और खुशहाली दे, हर साल हंसते हंसते खेलते खेलते छड़ी देकर और जोत लेकर माँ के चरणों में हाजिर होते हैं। आपके माध्यम से मैं सभी दुनिया को बोलता हूँ कि माता वैष्णो देवी के दरबार आए और पुण्य के भागी बने, दर्शन करें और पुण्य के भागी बने। मेरे ख्याल में मैं कभी चले भी जाऊं तो मुझे स्वर्ग में भी ऐसा जन्नत ना मिले जो आज मैंने माता वैष्णो देवी के दरबार में देखा है। इस बार नवरात्रि में माँ वैष्णो देवी धाम में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए ये यात्रा बेहद खास दिखाई दे रही है। झूमते नाचते हुए श्रद्धालु माँ के दरबार में अर्जी लगाने के लिए पहुँच रहे हैं। लंबी लंबी कतारें लगी हैं, सभी की आंखों में चमक है और हर तरफ माँ के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। साथ ही श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं के लिए अभूतपूर्व इंतजाम भी किए। मैं बस एक ही वर्ड बोलूंगा, दैट मीन्स अगर कहीं दुनिया में स्वर्ग है तो वो है वैष्णो माता का दरबार। अगर आप यहाँ आते हो तो आप यहाँ एक अलौकिक शक्ति का एहसास करते हो, एक ऐसी मनमोहक स्थिति हो जाती है कि आप पूरी दुनिया को अलग तरीके से देखना स्टार्ट कर देते हैं। और भक्ति में वो शक्ति है कि आप प्राचीन से ही चलती आ रही है। तो किस तरह के दर्शन हुए हैं आगे? अभी हम दर्शन करने जा रहे हैं, अभी हुए नहीं है। अरेंजमेंट गुड है, एक्सीलेंट, जितना कहूँ उतना कम है। सिक्योरिटी बेस्ट है और कोई भी श्रद्धालु को किसी भी तरीके की परेशानी नहीं हो रही है। दृश्य बस मनमोहक, ऐसा स्वर्ग है स्वर्ग। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।